हेलो स्टूडेंट्स मेरा नाम है दीपांशु शर्मा मैं आपका रीजनिंग फैकल्टी लक्ष्य आईबीपीएस बी पी क्लर्क बैच में आप सभी का स्वागत है दोस्तों और हमारा लक्ष्य है हम अपने आरआरबी को चैलेंज करें हम अपने आर आर को क्रैक करें दोस्तों

का, वो का question, वो मेंस लेवल का क्वेश्चन, डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन करना, तो आपके अंदर लॉजिक क्रैक करने की एबिलिटी होनी चाहिए चाहे वो लेटर कोडिंग हो चाहे वो नंबर कोडिंग हो तो वो चीज हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं ताकि एक एबिलिटी आपके अंदर इंप्रूव हो जाए ठीक है ना तो ये चीजें आपको क्लियर रहेंगी आपको इन चीजों को डील करना है आपसे मैं जितने भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूं आज के मैंने सेशन में 25 क्वेश्चन 10 हमारे पहले हो चुके हैं 15 क्वेश्चन आज के सेशन में मैंने लिए हैं तो टोटल 25 क्वेश्चन अगर हम लेटर कोडिंग नंबर कोडिंग के क्रैक कर लेंगे तो एक माइंड मेकअप हो जाता है कि हाँ लॉजिक इस तरीके से क्रैक होते हैं वरना मैंने आपको कुछ प्रोसेस बताई थी कि लॉजिक क्रैक करने की प्रोसेस क्या होती है सिलोक्स की क्लास होगी मैराथन क्लास होगी संडे को यानी कल कल सुबह दस बजे जुड़ना मत भूलिएगा और एक ही क्लास में पूरा कंसेप्ट आपको पढ़ा दिया जाएगा हर एक एग्जाम के लिए आपका सिलोक्स की वन क्लास में ही सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे मॉक भी होगा कल आपका दो बजे ठीक है ना आईबीपीएस आर के पॉइंट ऑफ व्यू से एटी आउट ऑफ एटी की स्ट्रेटेजीज आपको बताई जाएगी तो मॉक भी अटेंड कीजिएगा बच्चे और जो अभी आज का छह बजे का सेशन होने वाला है जो मॉक आपका होने वाला है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया चलिए देरी ना करते हुए कोडिंग डिकोडिंग पे बात करते हैं और कोडिंग डिकोडिंग में हमारे इस सेशन में कोडिंग डिकोडिंग पे हम बात कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग में अलग अलग टाइप की कोडिंग डिकोडिंग होती है लेटर कोडिंग होती है नंबर कोडिंग होती है सब्सिट्यूशन कोडिंग होती है मैसेज कोडिंग चाइनीज कोडिंग जहां तीन चार सेंटेंस को कोड किया जाता है ईजी लेवल भी होती है तो डिफिकल्ट लेवल भी होती है ये प्री लेवल होती है तो ये मेन्स लेवल होती है आपको मैंने ये कहा जो मेन्स लेवल की डिफिकल्ट लेवल की जो कोडिंग डिकोडिंग है अगर उसे आप क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग यानी लॉजिक क्रैक करने की आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए जिसके ऊपर हम

चाहिए कि पहले आप डायरेक्ट कोडिंग ट्राई करो जल्दी से अगर वो नहीं लग रहा है तो क्वेश्चन होगा इंसान कर लेगा क्रैक करने की आपकी एबिलिटी होनी चाहिए रिलेशन बनता है रिलेशन में भी ऑर्डर या तो कुछ इंक्रीज हो रहा होगा या कुछ डिक्रीज हो रहा होगा माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री हो रहा होगा या अल्टरनेट भी होता है प्लस टू माइनस टू प्लस टू माइनस टू 2 2 तो वहां पे वो जो इकोलॉजी कह रहा है इकोलॉजिक लॉजिक जैसा लगना चाहिए बट वो रिलेशन या तो कुछ इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा अच्छा हमें ऊपर से नीचे ही देखना होता है चाहे डायरेक्ट कोडिंग देख रहे हैं चाहे कंप्लीट क्रॉसिंग दे रहे हैं चाहे पार्टीशन देख रहे हैं ऊपर से नीचे ही देखो नीचे से ऊपर नहीं ये नहीं कि आप कभी ऊपर से नीचे कभी नीचे से ऊपर तो आपको कही कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाएगी एंड फाइनली इंप्लीमेंट द सेम रिलेशन एज यू आइडेंटिफाई ऑन द गिवन वर्ड जो आपने रिलेशन आइडेंटिफाई किया ये चार स्टेप में आपने रिलेशन आइडेंटिफाई किया तो फिफ्थ स्टेप ये कहता है डेफिनेटली जो ढूंढा है वही तो हम इंप्लीमेंट करेंगे तो ये बातें हमने लास्ट सेशन में समझी थी मैंने आपको ये बताया था कि प्लेस वैल्यू के लिए दो वर्ड आप अपने दिमाग में रखे स्वेलोरक्स एंड इजोटी स्वेलोरक्स में जो प्लेस वैल्यू चलती है वो तीन छे नौ बारह पंद्रह थ्री का टेबल चलती है और इजोटी में जो प्लेस वैल्यू चलती है वो फाइव का टेबल चलती है पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस इनकी हेल्प से इनके आसपास के लेटर की

एफ जी जी उसके बाद तो सात हो जाएगा ऐसे इनके आसपास से लेटर्स की प्लेस वैल्यू निकालने की कोशिश करो ये दो वर्ड आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए रिलेशंस मैंने बता दिया अपोजिट लेटर मैंने आपको कल बताए थे सारे लेटर अगर ऊपर से नीचे ए से जेड और नीचे से ऊपर ए से जेड लिख लोगे तो जो सामने सामने वाले लेटर होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे या तो आप सारे लिख लो या फिर आधे लिख लो आधे मैंने आपको क्या बताए थे कि आधे आपका जो होता है वो कहाँ होता है आपका एम पे हो जाता है और बाकी के जो आधे नीचे से ऊपर की तरफ उल्टे जब लिख दोगे तो जो सामने सामने होंगे वो अपोजिट लेटर होंगे तो आपने जितने भी लोगों हैं लोगों ने लास्ट सेशन अटेंड नहीं किया तो एक बार अटेंड कर लेना ये सारी बातें मैंने बहुत आराम से बहुत कायदे में आपको समझाई थी चलिए आज बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा ये होमवर्क क्वेश्चन जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा जितने भी लोग कनेक्टेड हैं जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा जिन लोगों ने बना लिया था आंसर बताएंगे और लॉजिक भी बता दे तो बहुत अच्छी बात है चलिए बच्चे देखिए क्वेश्चन में क्या है कहा है इफ टाउन इज कोडेड एज ए एच डीजी यदि टाउन को ए एच डीजी लिखा जा रहा है ए एच डीजी लिखा जा रहा है देन व्हाट विल बी द कोड फॉर विलेज विलेज का कोड क्या होगा विलेज का कोड क्या होगा पहले सिंपल सोचो पहले सिंपल सोचो उनकी प्लेस वैल्यू लिखो राइट द प्लेस वैल्यू फर्स्ट स्टेप इज टेक द गिवन पेयर वर्ड ऊपर कोड नीचे सेकंड स्टेप इज राइट द प्लेस वैल्यू टी ट्वेंटी होता है ओ फिफ्टीन होता है डब्ल्यू तेईस होता है एन चौदह होता है एक आठ चार सात प्लेस वैल्यू लिखने के बाद बच्चे हमें क्या करना है ऊपर से नीचे डायरेक्ट कोडिंग देखनी है बीस से एक हो गया माइनस उन्नीस हो गया माइनस उन्नीस हो गया पंद्रह से आठ हो गया माइनस सात हो गया तेईस से चार हो गया माइनस उन्नीस हो गया और चौदह से सात हो गया तो माइनस सात हो गया एक चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा देखो छब्बीस लेटर का साइकिल है छब्बीस लेटर का साइकिल है जड़ के बाद दोबारा ए आ जाता है ये बताया था मैंने आपको बच्चे उन्नीस उन्नीस के लिए उन्नीस से अगर मैं देखूं तो छब्बीस कितनी दूर रह जाता है सात दूर रह जाता है उन्नीस और सात कितना हो गया छब्बीस हो गया मेरी बात समझिए अगर आप उन्नीस घटा रहे हैं उन्नीस घटा रहे हैं तो उन्नीस का क्या हो जाएगा साथ, साथ आप जोड़ देंगे तब भी बात वही पड़ेगी नहीं समझे तो उधर से सोलह घटा के आना, तो आना पड़ेगा दस और सोलह कितना हो जाता है छब्बीस हो जाता है सपोज मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं मान लीजिए डी में डी में पी की प्लेस वैल्यू आपने एड की ठीक है ना या मैं ये कहूं बच्चे कि हमने डी में जो डी की प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी चार होती है उसमें बारह जोड़ा उसमें बारह जोड़ा चलिए ऐसे समझिए में एन जो है आपका एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है चौदह एन में आपने दस जोड़ दिया एन में दस जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा एन में दस जोड़ दिया तो चौबीस हो जाएगा चौदह में दस जोड़ दिया चौबीस हो जाएगा चौबीस किसे रिप्रेजेंट करता है एक्स को आपने चौदह में दस जोड़ा कितना आया चौबीस आया चौबीस मतलब एक्स हो गया ठीक है ना अगर आप 14 से 16 घटा देंगे तो भी आपके पास क्या आएगा माइनस टू यानी 26 माइनस टू तब भी आएगा 24 मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए जैसे मान लीजिए P में अगर मैं P में प्लीज P की प्लेस वैल्यू है हमारी 16 P की प्लेस वैल्यू 16 है उसमें अगर मैं उसमें अगर मैं 10 जोड़ देता हूं उसमें अगर मैं दस जोड़ देता हूं कितना हो जाएगा छब्बीस हो जाएगा छब्बीस किस रिप्रेजेंट करता है जेड को और अगर उसमें से मैं सोलह घटा देता हूं तब जीरो आ जाएगा और जीरो भी छब्बीस को रिप्रेजेंट करता है तब भी जेड आ जाएगा देखो सोलह और दस छब्बीस हमें कॉम्बिनेशन बनाना है ये छब्बीस लेटर का साइकिल है मैं बस यही समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं आप उन्नीस आगे जा रहे हो आप उन्नीस आगे जा रहे हो आप सात पीछे चले जाओ आप उन्नीस पीछे जा रहे हो आप सात आगे चले जाओ चलो देखो बीस और सात कितना होता है सत्ताईस और सत्ताइस लेटर मैंने कल आपको बताया था अगर जेड छब्बीस है तो सत्ताईस लेटर हमारा क्या हो जाएगा ए तो बीस और सात सत्ताईस तेईस और प्लस सात कितना हो जाता है तीस और तीस किसे रिप्रेजेंट करता है तो तीस में से छब्बीस आपने माइनस किया चार चार किसे रिप्रेजेंट करेगा डी को तो तेईस प्लस सात क्या होता है डी होता है चार होता है अगर मैं आपसे पूछूं थर्टी टू रिप्रेजेंट करेगा थर्टी टू माइनस ट्वेंटी सिक्स रिमिंग सिक्स सिक्स रिप्रेजेंटिंग फाइव तो थर्टी टू रिप्रेजेंटिंग फाइव अगर मैं आपसे पूछूं बयालीस किसे रिप्रेजेंट करेगा तो बयालीस से छब्बीस घटा दीजिए अब आप कहेंगे सर बयालीस वाला लेटर ही नहीं होता है होता है

और साथ घटाएंगे तो पांच हो जाएगा ई हो जाएगा साथ जोड़ेंगे तो आठ हो जाएगा एच हो जाएगा सात घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो जेड हो जाएगा और साथ जोड़ेंगे तो बारह बारह एल हो जाएगा सीबीएसई सीबीएसई अपने पास कहीं नहीं दिया गया है तो इसलिए हम अपना आंसर कर देते हैं नन ऑफ दीज इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर हो रहा है इस तरीके से देखिए क्वेश्चन का आंसर हो रहा है क्वेश्चन बड़ा सिंपल था नन ऑफ दीज आप लोगों अं ने मेरे को कमेंट में आंसर भी किया था चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से बताएंगे देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे कुछ चीजें जो आपको समझानी थी वो आपने समझ ली हैं। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है बच्चे आप लोग बता सकते हैं डेफिनेटली आप लोग आंसर कर सकते हैं जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे बन जाएगा जल्दी से बनाने की कोशिश करेंगे बन जाएगा Easy है मुश्किल नहीं है विद इन टाइम करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा टाइम के साथ देखो टाइमर चल रहा है टाइम के साथ अपना आंसर करने की कोशिश करेंगे जी हां टाइम के साथ अपने क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे आंसर आ जाएगा देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन बताएगा टाइम के साथ अपना आंसर करने की कोशिश किया करें क्या कहता है कहता है लीडिंग जी हां लीडिंग लीडिंग को क्या लिखा है लीडिंग को लिखा है एम डी जेड एम डी जेड ई एच ओ एच लिखा है और बताना किसका है बच्चे बताना है हमें ट्रेनी का बताना किसका है ट्रेनी का बताना है देखते हैं पहले कौन आंसर करता है पहले कौन आंसर करता है और सही आंसर कौन करता है तो यहां पे आंसर आया है सी सी और आंसर हो गया है गलत जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे शिवांगी त्रिपाठी ने सबसे पहले आंसर बताया आंसर गड़बड़ हो जाएगा आपने शिवांगी सी आंसर किया गरिमा ने भी सी आंसर किया एक बार चेक कर लीजिए सी आंसर सबसे पहले तो कर दिया है पर तो कहीं आंसर आपका गड़बड़ तो नहीं जा रहा है ध्यान देंगे सी आंसर गड़बड़ जा रहा है मेरे को लग रहा है एक बार ध्यान देंगे क्या आंसर होना चाहिए दोबारा चेक कर लीजिए जितने लोगों ने आंसर किया अभी तक दोबारा चेक करेंगे आपको लग रहा है क्वेश्चन हलवे हैं आपको लग रहा है क्वेश्चन हलवे हैं बच्चे कल दिए थे बहुत आसान आज थोड़ा लेवल बढ़ गया है थोड़ा सोच के बताएंगे स्नेहा आंसर सी कर रहे हैं तनिषा आंसर सी कर रहे हैं और मैं कह रहा हूं आंसर सी गड़बड़ हो रहा है कुलदीप ने आंसर ही कर दिया चलो देखिए चलिए देखिए देखो पहले में बारह से तेरह डायरेक्ट कोडिंग हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं बारह से तेरह क्या हो रहा है बच्चे प्लस वन हो रहा है पांच से चार क्या हो रहा है माइनस वन हो रहा है एक से छबीस हो रहा है पीछे जा रहा है ना ये भी माइनस वन हो रहा है और ये आपका चार से पांच हो रहा है तो ये प्लस वन हो रहा है नौ से आठ हो रहा है तो क्या हो रहा है माइनस वन हो रहा है चौदह से पंद्रह क्या हो रहा है प्लस वन हो रहा है सात से आठ क्या हो रहा है प्लस वन हो रहा है और आपने पता क्या सोचा आपने सोचा प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन हो रहा है और आपने लगा दिया प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन और आंसर बना लिया सी और आपका आंसर है गलत क्योंकि यहां पे ये लॉजिक तो है ही नहीं कहां है प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन सी आंसर करने वालों आप लोग ध्यान से देखिए क्या प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन है जी नहीं प्लस वन माइनस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन प्लस वन है ये लॉजिक नहीं है जो आप सोच रहे थे वो लॉजिक होता तो आपका आंसर में सही मानता सी ऑप्शन वो लॉजिक नहीं है बच्चे तो आपको लॉजिक कंसीडर करना है अब ध्यान से देखिए जरा यहां पे भी माइनस वन यहां पे भी माइनस वन और यहां पे माइनस वन क्यों बच्चे सोच के बताओ जरा क्यों बच्चे यहां पे माइनस वन है यहां माइनस वन है और यहां माइनस वन है और बाकी में प्लस वन है ऐसा क्यों है एनालाइज कीजिए ऐसा इसलिए है क्योंकि ये तीनों क्या है ये तीनों वोवल है आपका बैंक का एग्जाम है बच्चों वाला एग्जाम नहीं है थोड़ा सोचने की कोशिश ही नहीं करते हो आपका ये जो है वोवल है और बाकी सारा कॉन्सोनेंट है तो लॉजिक क्या बना डायरेक्ट कोडिंग में कि जो कॉन्सोनेंट है वो प्लस वन है और जो वोवल है वो माइनस वन है वो माइनस वन है जेड वोवल माइनस वन है कितना हो जाएगा एच वोवल माइनस वन है डी और वो माइनस है तो लास्ट में डी डो डी यहां पे दे रखे और बाकी में प्लस वन हो जाएगा ये यू हो जाएगा के बाद आ जाएगा बाकी में प्लस वन है बच्चे आपका आंसर ऑप्शन है किसी ने नहीं किया ऑप्शन किसी ने आंसर नहीं किया तो बीच में ने किया और फिर आशीष ने किया हाँ विशाल ने भी किया तो बच्चे यहां पे आपको लॉजिक देखो क्लियर होना चाहिए गरिमा ठीक है लॉजिक क्लियर अब आंसर आ गया है तो इतने आप सीरियसली नहीं दे रहे हो क्वेश्चन को लग रहा है जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे अगले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा दिमाग लगाओ सारे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के होंगे आज क्वेश्चन को क्रैक करने की कोशिश करो आपके लॉजिक को क्रैक करने की आपकी एबिलिटी इंप्रूव कर रहे हैं हम जल्दी से बनाने की कोशिश करेंगे बन जाएगा आंसर बताइए क्या आएगा विद इन टाइम करना है देखिए विद इन टाइम आपको क्वेश्चन का आंसर बनाने की कोशिश करनी है विद इन टाइम क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए जल्दी से बनाएंगे देखते हैं कितने लोग आंसर बना पाएंगे जल्दी से बनाएंगे कितने लोग आंसर बना पाएंगे चलिए देखते हैं तो टाइम आपको हो गया बच्चे टाइम के अकॉर्डिंग आप चले टाइम में ही विद इन टाइम में ही अगर आप बताएंगे तो अच्छा लगेगा अगला क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन नहीं था ये तो पिछला क्वेश्चन आ गया हमारा हां तो ये वाला क्वेश्चन है अमेरिका कहता है अमेरिका इज कोडेड एज ए एम ई आर आई सी ए अमेरिका इज कोडेड एज ए डी ई आई आई सी ए अमेरिका को अगर इसमें कोड किया है तो अफ्रीका को किसमें कोड करेंगे ये बताया है बताना है अच्छा यहाँ पे कई बार आप जो है ना थोड़ा सा लॉजिक अपनी तरफ से लगाते हो वो भी लग जाता है लेकिन थोड़ा लॉजिक जो होना चाहिए ना मीनिंगफुल लॉजिक होना चाहिए जल्दी से लॉजिक बताओ इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है जितने लोगों ने आंसर किया लॉजिक भी बताने की कोशिश करो ए वन है एम थर्टीन है ई फाइव है आर एटीन है आई नाइन है सी थ्री है ए वन है ए वन है डी फोर है फाइव है नाइन है नाइन है सी थ्री है वन है अब देखो यहां पे एक लॉजिक आपको मैं बताता हूं एक लॉजिक मैं बताता हूं जो सिंगल डिजिट है देखो ये सिंगल डिजिट है एज इट इज है 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 लेकिन जो डबल डिजिट है उनको क्या किया गया है सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया गया है जैसे मान लीजिए आपके पास है छब्बीस आप इन दोनों को जोड़ भी सकते हो और इन दोनों का डिफरेंस भी निकाल सकते हो अगर मैं यहां पे इन दोनों को जोड़ू तीन और एक कितना हो जाएगा चार आठ और एक कितना हो जाएगा नो no. तो इन दोनों डिजिट को जोड़ के सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया गया है तो वन तो वन ही रहेगा तो छे तो छह ही रहेगा अट्ठारह आठ और एक नौ हो जाएगा आई हो जाएगा ये नाइन है तो ये नाइन ही रहेगा सी थ्री है तो थ्री रहेगा ए वन हो जाएगा तो अपना आंसर आएगा ए एफ आई आई सी एप्शन नंबर सी जितने लोगों ने आंसर किया बहुत बढ़िया बेहतरीन तो बहुत अच्छी बात है दैट मीन्स आपके लिए ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आसान था अगले क्वेश्चन में इसी तरीके से दिमाग लगा दीजिए आंसर आ जाएगा जल्दी से बनाने की कोशिश करेंगे देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं सबसे पहले पांच कैंडिडेट कौन होंगे जो आंसर कर पाएंगे जल्दी से बनाने की कोशिश करेंगे देखते हैं कितने लोग बना पाएंगे क्वेश्चन बहुत आसान है आप में से कितने लोग आंसर बना पाएंगे यह देखना है बस कितने लोग बना पाएंगे देखते हैं सबसे पहले कौन बनाने वाला है जी सी आंसर था बिल्कुल सही था अब बताइए इस क्वेश्चन का का आंसर आंसर क्या क्या है इस प्रश्न काेंगे क्वेश्चन नंबर के साथ अपना आंसर मेंशन करेंगे. करेंगे जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं जल्दी से बनाने की कोशिश करेंगे पांच कैंडिडेट कौन से है जिनका आंसर आ जाएगा जल्दी से बनाएंगे आंसर बताएंगे क्वेश्चन में कहा है इफ सोलेमन इज कोडेड एज इफ सोलेमन इज कोडेड एज एच डी एच डी ए बी सी सोलेमन इज कोडेड एज एच डी पोथर रिटन इन दैट कोड कोड लैंग्वेज जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन करेगा जल्दी से बताएंगे टाइम अप हो चुका है आंसर नहीं आया है एस नाइनटीन ओ फिफ्टीन एल ट्वेल्व ई फाइव एम थर्टीन एंड फोर्टीन आठ चार एक पांच दो तीन प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के माध्यम से एक चीज समझाता हूं देखो एक क्वेश्चन में मल्टीपल लॉजिक होते हैं ये बात मैंने वैसे आपको लास्ट टाइम भी बताई थी एक क्वेश्चन में मल्टीपल लॉजिक होते हैं एक लॉजिक आपको सीधा नजर आ रहा है माइनस ग्यारह माइनस ग्यारह माइनस ग्यारह ग्यारह माइनस ग्यारह लेकिन पांच में से भी तो माइनस ग्यारह बताया ग्यारह घटाना मुश्किल लग रहा है तो पंद्रह जोड़ लो यानी आप बीस पे आ जाओगे टी पे आ जाओगे अगर ग्यारह घटाओगे तो मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई हर लेटर से ग्यारह घट जाता है तो पांच से ग्यारह क्यों नहीं घटाया चलो मैंने मान लिया भाई लॉजिक है जब मैं इस पर इंप्लीमेंट कर रहा हूं ये सोलह है ये पंद्रह है ये बीस है ये आठ है ये पांच है ये अठारह है That means, मैंने ये मान लिया जो सिंगल डिजिट होगी उसमें से माइनस ग्यारह नहीं करना जो डबल डिजिट है उसमें माइनस ग्यारह कर दो माइनस ग्यारह करेंगे कितना आएगा पाँच आएगा ई आएगा माइनस ग्यारह करेंगे डी आएगा माइनस ग्यारह करेंगे आपका आई हो जाएगा माइनस ग्यारह नहीं करना माइनस ग्यारह नहीं करना अठारह से माइनस ग्यारह किया तो सात आ जाएगा लेकिन अपने पास ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है ईडीआई एच ई जी ईडीआई है लेकिन एच ई जी नहीं है तो दैट मीन्स ये लॉजिक सही है मैंने मान लिया देखो लॉजिक लॉजिक जैसा, जैसा लगना चाहिए लॉजिक लॉजिक जैसा लगना चाहिए मैंने ये लॉजिक मान लिया सही है लेकिन देखो हमारे या कहें कहें तो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉजिक सही नहीं है एक क्वेश्चन में मल्टीपल लॉजिक होते हैं जो मैंने लॉजिक लगाया उससे जो आंसर बना अगर वो ऑप्शन में अवेलेबल हुआ तो दैट मीन वो लॉजिक करेक्ट माना जाएगा लेकिन अगर ऐसा हुआ जो लॉजिक आपने लगाया उससे जो आंसर बनाया वो ऑप्शन में अवेलेबल नहीं हुआ तो फिर वो एज पर एग्जामिनर नहीं होगा फिर उसके अंदर हमें जल्दी से दूसरा लॉजिक ढूंढना पड़ेगा दूसरा लॉजिक दिखाता हूं अगर मैं इन दोनों को जोड़ दू नौ एक कितना हो जाएगा दस पांच और एक कितना हो जाएगा छह दो और एक कितना हो जाएगा तीन पांच का पांच रहेगा लेकिन जो सिंगल डिजिट है उसमें कुछ जोड़ा जाड़ी नहीं तीन और एक कितना हो जाएगा चार चार और एक कितना हो जाएगा पांच और उसके बाद क्या किया जो रिजल्ट आया उसमें से माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू एंड माइनस टू सेम थिंग मैंने यहां पे किया छे और एक कितना हो जाएगा सात हो जाएगा माइनस टू किया पांच हो जाएगा चार और एक पांच और एक छे हो जाएगा माइनस टू किया चार हो जाएगा दो जीरो दो आएगा माइनस टू करेंगे जीरो जेड आ जाएगा आठ का आठ एच रहेगा ई रहेगा आठ और एक नौ आ जाएगा नौ में से सात माइनस किया जी आ जाएगा ईडी जेड अब ईडी जेड अपने पास कहीं हुए ऑप्शन में भी नहीं दे रखा है तो आप लगाने को तो ऑफ दीज भी लगा सकते हो लेकिन ये लॉजिक भी कहीं ना कहीं एक्सेप्टिव नहीं होगा क्यों नहीं होगा यार सारों में से आप आप जोड़ करके माइनस टू कर रहे हो लेकिन सिंगल डिजिट वालों में नहीं कर रहे हो ये बात थोड़ी अटपटी सी लगती है ठीक है ना तो हमें कुछ और मैनर में सोचना चाहिए एक तरीके से एक मीनिंग में एक सेंस में हमें सोचना चाहिए तो मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन करके बताया था तो बातों बातों में मैंने आपको बताया भी दोनों डिजिट को जोड़ा भी जा सकता है और उनका डिफरेंस भी निकाला जा सकता है एच डी ए ई बी सी लिखा जाता है तो यहां पे इस क्वेश्चन में तीसरा लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन को करने का तीसरा लॉजिक समझ रहे हैं ना आपको क्वेश्चन को करना है ठीक है ना अलग अलग तरीके से किया जा सकता है मैं डिफरेंट टाइप के आपसे लॉजिक डिस्कस कर रहा हूं ताकि, ताकि आपको ये लॉजिक भी आपके दिमाग में रहे देखो कुछ भी किया जा सकता है वैसे तो लॉजिक्स का कोई एंड नहीं है फिर भी आपसे मैं वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं जो कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं जो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है जिनसे आपका माइंड मेकअप हो सकता है हाँ ऐसा भी लॉजिक होता है कल के सेशन में आपने कुछ चीजें सीखी डायरेक्ट कोडिंग कंप्लीट क्रॉसिंग अपोजिट लेटर वो बेसिक थे बिल्कुल बेसिक थे अब थोड़ा सा एडवांस या कह लीजिए थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं मैंने कहा दोनों डिजिट को जोड़ा भी जा सकता है और एक दस डिफरेंस भी निकाला जा सकता है अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल दू और एक का तो कितना आएगा आठ आएगा एक और पांच का डिफरेंस निकालू तो चार आएगा एक और दो का डिफरेंस निकालू तो अपने पास एक आएगा अब देखो यहां पर मैंने ना पांच नहीं लिखा जीरो पांच लिखा लिख सकता हूं ना मैं तो जीरो और पांच का डिफरेंस कितना आएगा पांच आएगा अब यहां सिंगल डिजिट वालों के ऊपर भी हम ये लॉजिक लगा रहे और लग रहा है ठीक है ना दो और एक तीन और एक का डिफरेंस कितना आएगा दो आएगा चार और एक का डिफरेंस कितना आएगा तीन आएगा तो ये वाला लॉजिक ज्यादा सेप्टेबल है मीनिंगफुल है बजाय कि जो हमने इससे पहले दो लॉजिक देखे थे उन दोनों के तो हमें पोथर पे इंप्लीमेंट करना है बच्चे पोथर पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं प्लेस वैल्यू लिखेंगे प्लेस वैल्यू लिखने के बाद आपने प्लेस वैल्यू जब लिखी तो डबल डबल डिजिट में करके लिखी ठीक है ना तो छे और एक का डिफरेंस पांच हो जाएगा पांच क्या होता है ई होता है पांच और एक का डिफरेंस चार होता है चार क्या होता है डी होता है टू जीरो का डिफरेंस टू होता है टू क्या होता है बी होता है जीरो एट का डिफरेंस एट होता है एट एच होता है जीरो फाइव का डिफरेंस फाइव होता है फाइव ई e होता है एट वन का डिफरेंस सेवन सेवन जी होता है आंसर बना और ऑप्शन में भी अवेलेबल है डी बी एची और अगर आप यह भी नहीं कर पाए फिर तो आपको नन ऑफ दीज करना ही पड़ता है वो तो एक अलग केस अलग सिचुएशन है लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करो इन्हीं ऑप्शन में आंसर बनाने की कोशिश करो और कई बार नन ऑफ दीज नहीं होता है बढ़िया अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बनाने की कोशिश कीजिए बन जाएगा जल्दी से बनाने की कोशिश कीजिए जल्दी से बनाने की कोशिश कीजिए बन जाएगा बिल्कुल टू डिजिट का डिफरेंस होगा नन ऑफ दीज नहीं आएगा ठीक है ना नन ऑफ दीज नहीं आएगा बिल्कुल जल्दी से बनाने की कोशिश करेंगे बन जाएगा टू डिजिट बिल्कुल बिल्कुल आपने बबीता बिल्कुल सही बताया है शिवांगी जल्दी से बनाने की कोशिश करें जितने भी लोग कनेक्टेड हैं बन जाएगा देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला आपका सुल्तान को जी सुल्तान को ठीक है ना अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन बेहतरीन है तो पहले ये वाला डिस्कस कर लेते हैं सुल्तान को क्या लिखा है सुल्तान को लिखा है एच ए ए ठीक है ना बी ए सी लिखा है सुल्तान को एच ए ए बी ए सी लिखा है तो उसी भाषा में नोएडा को क्या लिखेंगे ठीक है ना उसी भाषा में नोएडा को क्या लिखेंगे तो बच्चे जल्दी से बताने की कोशिश करें प्लेस वैल्यू लिख करके देखिए आपका लॉजिक क्या बन रहा है यहां पे प्लेस वैल्यू लिख करके देखिए लॉजिक क्या बन रहा है अभी मैंने जो आपको समझाया अगर वो आपको समझ में आ गया तो आपने डेफिनेटली इसका भी लॉजिक क्रैक कर लिया देखो ये लॉजिक आपको कब लगानी है जो मैंने अभी आपसे दो तीन क्वेश्चन डिस्कस किया अमेरिका अफ्रीका वाला सोलेमान पोथर वाला और एक अब ये डिस्कस कर रहा हूं जब आपके नीचे ना आप देख रहे हो सारी डिजिट सिंगल डिजिट जी हां सारी डिजिट सिंगल डिजिट एक भी क्वेश्चन में पिछले दो तीन क्वेश्चन उठा करके देख लेना नीचे वाले जो आपके थे उसमें डबल डिजिट कोई भी नहीं था सारे सिंगल डिजिट थे तब ये चीज सोचनी है कि ऊपर से नीचे की तरफ क्वेश्चन में अगर लेटर्स को लाया जा रहा है तो सिंगल डिजिट कन्वर्जन किया जा रहा है और सिंगल डिजिट कन्वर्जन के लिए दोनों डिजिट को या तो जोड़ा जाता है या डिफरेंस निकाला जाता है तो यार तो मैं जोड़ के देख लू नोर एक दस दस तो नहीं लिखा है ठीक है ना या फिर मैं डिफरेंस निकाल के देखो मैंने डिफरेंस निकाला एट इन दोनों का डिफरेंस निकाला एक एक दो का डिफरेंस एक दो जीरो का डिफरेंस दो एक का डिफरेंस तो एक ही रहेगा जीरो वन ले लो आप एक और चार का डिफरेंस थी तो वही जो लॉजिक अभी आपने देखा वही आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं वही आंसर आ रहा है आपका तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा अपना आप तो सिंपल है ये तो आई का ही रहेगा ठीक है ना ये डी का डी रहेगा एक का ही रहेगा चार और एक का डिफरेंस तीन हो जाएगा पांच और एक का डिफरेंस चार हो जाएगा तो अपना आंसर है सी डी आई डी ए डी आई डी है अपने पास ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी कितने लोगों ने आंसर कर दिया था वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चे आप सभी लोगों ने इसका आंसर कर दिया था मतलब मैं जो लॉजिक आपको बताना चाहता था कि इस तरीके का भी लॉजिक होता है ऐसा भी सोचना पड़ता है वो आपने दिमाग में रख लिया जल्दी से बनाने की कोशिश करेंगे जल्दी से बनाने की कोशिश करेंगे बन जाएगा जल्दी से बनाने की कोशिश करेंगे बन जाएगा अगला क्वेश्चन देखो ये अलग कैटेगरी है ये अलग कैटेगरी है अभी जो लॉजिक आपने सीखे समझे वो वाले लॉजिक आपके यहां पे नहीं लग पाएंगे यह अलग कैटेगरी है इसका आंसर आपने देखते हैं सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले जो विद इन टाइम मेरे को आंसर कर देगा ठीक है ना विद इन टाइम टाइम तो अब जा चुका है टाइम तो अब खत्म हो चुका है जल्दी से बनाने की कोशिश करें चलो मैं थर्टी सेकेंड देता हूं जो विद इन टाइम क्वेश्चन का आंसर करेगा उसको क्या मिलेगा उसको बिल्कुल कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा पर कुछ तो मिलेगा जल्दी से बनाने की कोशिश करें देखते हैं विद इन टाइम कौन आंसर कर रहा है जल्दी से बनाने की कोशिश करेंगे विद इन टाइम आंसर देखते हैं कौन कर पा रहा है बच्चे जल्दी से बनाने की कोशिश करेंगे बन जाएगा पंद्रह का आंसर कौन बता रहा है पंद्रह का आंसर डी बता रहा है तनीषा बता रही हैं शिवांगी त्रिपाठी शिवम त्रिपाठी बता रहे हैं पंद्रह का डी बता रहे हो आप लोग पंद्रह का डी गलत है पंद्रह का डी गलत है तनिषा ने बी बताया है राजू ने बी बताया है और बी भी, भी गलत है आप लोग नहीं वहां तक पहुंच पा रहे हैं आप लोग नहीं वहां तक पहुंच पा रहे हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है मंजीत मंजीत इज कोडेड एज मंजीत इज कोडेड एज टी एन एम जी आई ए व्हाट विल बी द कोड फॉर शिल्पा जल्दी से बताने की कोशिश करें बच्चे देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन करेगा आंसर बताइए आंसर सूरज आंसर बताइए आंचल बी आंसर मेरे को गलत लग रहा है ई आंसर भी मेरे को गलत लग रहा है आप में से किसी ने भी आंसर सही नहीं किया है सारे एक एक करके आंसर लिख दो डी किसी का तो सही हो जाएगा चलिए देखिए लॉजिक क्या था बड़ा सिंपल सा लॉजिक था बच्चे सिंपल सा लॉजिक था लॉजिक क्या था सिंपल सा लॉजिक था पर आपको लॉजिक क्या बताया गया यहाँ पे ये आई टी जैसा लग रहा था टी आई जैसा लग रहा था एक मिनट हो ठीक है ना हम्म तो ये जे है जे टेन होता है आई नाइन होता है टी ट्वेंटी होता है है भाई टी ट्वेंटी होता है एन फोर्टीन थर्टीन टेन नाइन एक आपने कुछ नोटिस किया आपने कुछ नोटिस किया ऊपर भी बीस है नीचे भी बीस है ऊपर भी चौदह है नीचे भी चौदह है नीचे भी तेरह है ऊपर भी तेरह है ऊपर भी दस है नीचे भी दस है ऊपर भी नौ है नीचे भी नौ है ऊपर भी एक है और नीचे भी एक है किया क्या बच्चे मैंने उसके नाम के जितने भी लेटर थे उनके लेटर्स की प्लेस वैल्यू को रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या उधर से देखोगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इधर से देखोगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में और उधर से देखोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया है सिंपल बिल्कुल कताई सिंपल आप इतना नहीं सोचते आपको क्या लग रहा था ऐसे रखा है कि एम को यहां पर रख दिया है ए को पीछे रख दिया है आप तो यही लगाया आपने आपने क्या लगाया शिल्पा का आपने देखा के एच पीछे कहाँ जा रहा है एच पीछे जा रहा है डी में लगा दो डी ऐसे नहीं होता है बच्चे इतना भी सिंपल थोड़ी देगा और पूरा नहीं लग रहा है आपका आप चेक कर रहीजिए पूरा नहीं लग रहा है और लॉजिक तो होना चाहिए ना लॉजिक तो ऐसा होता है तो मैंने क्या किया शिल्पा के जितने भी नेम के जो लेटर्स है उनको रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रख दिया है तो रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे बड़ा एस उससे छोटा पी उससे छोटा होगा एल उससे छोटा आई और उससे छोटा है फिर एच और फिर ए चेक कीजिए एस पी एल एस पी एल आई एच ए ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी कितने लोगों ने आंसर किया था निशा ने आंसर किया था गरिमा ने आंसर किया था फिर सूरज ने आंसर किया था रीचा ने आंसर किया था बिल्कुल वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत लोगों ने आंसर किया लेकिन बाद में किया लेट किया ठीक है ना विद इन टाइम ऐसे दिमाग लगा लेना चाहिए इतना सिंपल क्वेश्चन दिया था चलिए बढ़िया अगले क्वेश्चन पे बताइए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 25 क्वेश्चन टारगेट लेकर के चले हैं बच्चे जल्दी से बनाने की कोशिश करें क्वेश्चन अभी बहुत कम हुए हैं जल्दी से बनाने की कोशिश करेंगे बन जाएगा क्वेश्चन बहुत आसान है बन जाएगा ट्राई करेंगे बन जाएगा जल्दी से बनाने की कोशिश करें आंसर बताएंगे क्या आएगा ए बी सी डी ई क्वेश्चन नंबर के साथ जल्दी से बिल्कुल सही गया सूरज बिल्कुल सही है राजू कुलदीप मांगदवी जितने भी लोग हैं सी आंसर किया है तनिषा ने किया गरीमा ने किया जितेंद्र ने किया वेरी गुड बहुत बढ़िया जल्दी से बनाने की कोशिश करेंगे बन जाएगा क्या आएगा ड्यूरेशन को अगर ई बी एस जे यू ओ पी लिखा जाए तो फोरकास्ट को क्या लिखेंगे बनाएंगे बन जाएगा आसान है मुश्किल नहीं है ठीक है ना आसान है बन जाएगा बहुत सिंपल यहां से आप एक नया पैटर्न समझने वाले हैं चीजें आसान ली है अभी ये मत मानिएगा क्वेश्चन तो मेरे पास ऐसे ऐसे हैं कि अगर आपको मैं पांच पांच मिनट भी दूंगा तब भी शायद लॉजिक क्रैक नहीं हो पाएगा अभी दिखा देता हूं एक आध क्वेश्चन तो लिया होगा मैंने जरूर ऐसा भी एक आध जरूर ऐसा भी लिया होगा तुक्के मत मारना बशरते आप तुक्के मारने लग जाए फिर तो कोई ना कोई तुक्का लगी जाएगा किसी ना किसी का लॉजिक के साथ बताएं अपना आंसर लॉजिक के साथ बताएंगे तो माना जाएगा जरूर मान्य होगा आप हाँ जी तो सबसे पहले आपने पेयर ले लिया उसके बाद उसकी प्लेस वैल्यू लिख लिया आपने लिखी या नहीं लिखी जल्दी से लिख लिया करें जल्दी से लिख लिया करें ठीक है ना ये टी ट्वेंटी हो जाएगा आई नाइन हो जाएगा एंड ठीक है बाईस पांच दो उन्नीस जे दस इक्कीस पंद्रह और सोलह ठीक प्लेस वैल्यू लिखने के बाद बच्चे देखिए यहां पर क्या बनेगा आपने अगर डायरेक्ट कोडिंग लगाई नहीं लगेगी आपने अगर कंप्लीट क्रॉसिंग लगाई वो नहीं लगेगी पार्टीशन किया पार्टीशन नहीं होगा पेयरिंग होगी पेरिंग क्या होती है पार्टीशन का ही एक बाल अवस्था या कह पेरिंग का ही पार्ट होता है पार्टीशन जो होता है पेरिंग, पार्टीशन से ही पेरिंग बनता है यहाँ पे टोटल लेटर कितने अपने पास दो दो चार दो और दो आठ तो आप दो दो के पेयर बना करके अगर इसके अंदर दो दो के पेयर बना करके अगर इसके अंदर देखेंगे लॉजिक बड़ा सिंपल सा है इक्कीस और एक बाईस चार और एक पांच अठारह एक उन्नीस एक दो ठीक है ना बीस इक्कीस और नौ दस आपका दो दो के पेयर बना करके उनमें क्रॉसिंग करके प्लस वन प्लस वन प्लस वन किया जा रहा है तो प्लस वन करेंगे एफ का बन जाएगा जी ओ का बन जाएगा पी तो पी जी अपने पास देखिए मैक्सिमम ऑप्शन में है ई के बाद बन जाएगा एफ आर के बाद पी के ओ आर एस पीजीएफएस पीजीएफएस इसमें है और इसमें है इनमें नहीं है एलिमिनेट कर दिया सी के बाद आ जाएगा डी ए के बाद आ जाएगा बी तो बी डी अपने पास इसमें है तो इसके होने के ज्यादा चांस है टी के बाद यू आ जाएगा एस के बाद टी आ जाएगा यू टी आपका बन जाएगा ठीक है ना यूटी आपके पास इसमें दिया हुआ है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा तो बच्चे डी आंसर है देखते हैं कितने लोगों ने डी आंसर किया था दो दो के पेयर बिल्कुल कुलदीप मौर्या रीचा शिवांगी वेरी गुड बहुत बढ़िया सी आंसर नहीं था सूरज डी आंसर है इसका ठीक है ना चलिए बनाइए अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से ये अब क्वेश्चन है इसमें आपको दिमाग लगाना है देखते हैं कितने लोग इसमें दिमाग लगा पाएंगे कितने लोग इसमें दिमाग लगा पाएंगे और मुर्को सबसे पहले आंसर बता पाएंगे चेक करते हैं सबसे पहले आंसर कौन बताने वाला है सबसे पहले आंसर कौन बताने वाला है शिवानी आशीष जल्दी से बिल्कुल डी आंसर था पिछले क्वेश्चन का सोनू का आंसर आ गया डी था आंसर बिल्कुल इसका आंसर बताएं क्या होने वाला है बन जाएगा फर्स्ट सेकंड में क्रॉसिंग एंड प्लस वन बिल्कुल बबीता बिल्कुल देखो ऐसे साथ में लॉजिक भी बताओगे तो बड़ा अच्छा लगेगा साथ में लॉजिक भी बताओ लॉजिक भी बताएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा ठीक है ना जल्दी से बनाने की कोशिश करेंगे एसो कैंप को ठीक है क्या लिखा गया है के जी जी के जी जी वाई ओ ए टी वाई ठीक है और बताना किसका है सर्जरी का बताना है सर्जरी का बताना है जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे बन जाएगा जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे बन जाएगा ट्राई करें बन जाएगा लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एक बार थर्टी सेकेंड फिर से स्टार्ट कर देते हैं आपके देखते हैं थर्टी सेकेंड आप बता पाओगे नहीं बता पाओगे थर्टी सेकेंड और दे देते हैं आपको ठीक है ना थर्टी सेकेंड और दे दिया है बच्चे ये नहीं है क्वेश्चन ये है थर्टी सेकेंड और दे दिया है चलिए करेंगे जल्दी से बताने की कोशिश करें लास्ट थर्टी सेकेंड है आपकी जल्दी से जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे बन जाएगा चलिए देखिए बच्चे कई बार आपना आप ना लेटर्स में डायरेक्ट आप लेटर्स में ही कोई ना कोई लॉजिक बनाने की कोशिश करते रहते हो एक बार एक बार दिमाग में अपोजिट लेटर भी ले आया करो इस क्वेश्चन में अगर आपके दिमाग में अपोजिट लेटर आ जाते हैं या आप लिख लेते हो सामने ही तो आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन बन जाता है आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन बन जाता है अगर आप अपोजिट लेटर लिख लेते हो अगर आप अपोजिट लेटर लिख लेते हो ए का जेड एस का एच एच का एस एल का एल सी का एस एच का एस ए का जेड एम का एन आपने अपोजिट लेटर लिखे अगर आप इनकी प्लेस वैल्यू लिख करके उनमें रिलेशन बनाने की कोशिश करोगे नहीं बन रहा है तो एक बार ट्राई कर लिया करो अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू लिख करके जेड की प्लेस वैल्यू हो गई ट्वेंटी सिक्स एच एट एच एट एल बारह ठीक है ना एक्स चौबीस हो गया एस उन्नीस हो गया जेड छब्बीस हो गया एन चौदह हो गया अगर आप डायरेक्टली लेटर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं नहीं बन रहा है तो मैंने कहा एक बार माइंड में अपोजिट लेटर जरूर लेकर के आए उससे जरूर चेक कर ले कहीं अपोजिट लेटर से तो नहीं रिलेशन बन रहा है ठीक है ना या तो डायरेक्ट लेटर से रिलेशन बन रहा है या अपोजिट लेटर से रिलेशन बन रहा है फिर तो इसमें डायरेक्ट कोडिंग नहीं लग रही कंप्लीट क्रॉसिंग भी नहीं लग रही पार्टीशन लगेगा चार चार के पेयर में टोटल लेटर एट है चार चार के पेयर में डिवाइड होकर के आप क्या देख रहे हैं देखिए क्या देख रहे हैं छब्बीस से पच्चीस हो गया माइनस वन हो गया आठ से सात हो गया माइनस वन हो गया आठ से सात हो गया माइनस वन हो गया बारह से ग्यारह माइनस वन हो गया चौबीस से पच्चीस प्लस वन हो गया उन्नीस से बीस प्लस वन हो गया छब्बीस से एक प्लस वन हो गया है और चौदह से पंद्रह प्लस वन हो गया पहले चार लेटर में वन और अगले चार लेटर, में प्लस वन है। लेकिन लेटर, पहले लेटर लिखने रेलवे रोटी ठीक है ना इंडियन रेलवे रोटी या आपका एक विलन इवनिंग बन जाएगा ठीक है ना आपने इनकी अपोजिट लेटर को लिखा अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू को लिखा एट है, 6 है नौ है अठारह no है, है और बाईस है तो पहले चार लेटर में क्या था पहले चार लेटर में आपका पेरिंग है ना पहले चार लेटर में आपको क्या करना है माइनस वन करना है और अगले चार लेटर में क्या करना है प्लस वन करना है पहले चार लेटर में माइनस वन करेंगे नाइनटीन एस हो जाएगा एट एच हो जाएगा छ से एक घटाया पांच ई हो जाएगा आठ से एक घटाया सात जी हो जाएगा और अगले चार लेटर में आपको क्या करना है प्लस वन करना है प्लस वन मतलब अगला लेटर 22 के बाद उन्नीस एस होता है नौ के बाद दस दस जे होता है तो अपना आंसर बना एस एच ई जी डब्ल्यू एस जे डब्ल्यू तो एस एच ई जी डब्ल्यू एस जे डब्ल्यू पहला ही ऑप्शन है अपने पास ये इस क्वेश्चन का आंसर है तो कितने लोगों ने पहला ऑप्शन आंसर किया किसी ने भी पहला आंसर ऑप्शन नहीं किया बच्चे इस तरीके से देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि दो दो तीन तीन मिनट आप लगे रहते हो और आपके क्वेश्चन का लॉजिक नहीं बोल पाता है अगले क्वेश्चन में दिमाग लगाइएगा सोच समझ के बताइएगा अगला क्वेश्चन आप दिमाग लगाओ सोच समझ के बताओ बन जाएगा बन जाएगा लेकिन ये नहीं है कि मैंने अभी अब ये अगर अपोजिट लेटर वाला बताया है तो यहां पे भी अपोजिट लेटर वाला ही लग रहा होगा यहां पे मैं भी कुछ और लग रहा हो दिमाग से लगाना है देखो बस थोड़ा सा ये है मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन आपके ईजी भी हो सकते हैं क्वेश्चन आपके कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं शायद ये क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा आसान नहीं है ये ऐसा नहीं है कि दो सेकंड में आपने लॉजिक क्रैक कर लिया एक लॉजिक क्रैक करने की एबिलिटी होनी चाहिए चाहे आपने एक मिनट में क्या दो मिनट में क्या इंटरेस्ट होना चाहिए सिंपल सी बात ये है अगर हम लॉजिक ही नहीं क्रैक करना पसंद करते तो फिर आपको आगे दिक्कत होने वाली है जो हमारा जो आई लेवल एडवांस लेवल का जो सब्सिट्यूशन कोडिंग है ना उसमें दिक्कत होने वाली है तो इस एबिलिटी को इंप्रूव करे जल्दी से बनाने की कोशिश करे जितने लोगों ने शिवानी ठीक है ना शिवम रजनी ठीक है जितने लोगों ने आंसर किया था ए ऑप्शन वेरी गुड बहुत बढ़िया सूरज आपने किया था बिल्कुल था तो बढ़िया अच्छी बात थी भाई जल्दी से बताएंगे देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग बता पाएंगे लॉजिक आपको बनाना है एक्चुअली यहां पे रिलेशन आइडेंटिफाई करना है अगर आपने रिलेशन आइडेंटिफाई कर लिया तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा क्वेश्चन क्या है हॉस्पिटल जी हां हॉस्पिटल को कोड किया गया है किसमें एफ जे क्यू क्यू जे क्यू बी आई में ठीक है ना हॉस्पिटल को कोड किया गया है ठीक है किस में कोड किया गया है हॉस्पिटल को कोड किया गया है एफ जे क्यू क्यू जे क्यू बी आई में कोड किया गया है और हमें किसका कोड बनाना है पेशेंट्स का कोड बनाना है हमें पेशेंट्स का कोड बनाना है ठीक है ना आप दिमाग लगाइए देखते हैं कितने लोग दिमाग लगा पाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे ट्राई करो जरा देखो थर्टी सेकेंड और दे दिए मैंने आपको लगभग डेढ़ दो मिनट बहुत है इस क्वेश्चन के लिए ठीक है ना एटीन का आंसर एटीन का आंसर क्या आएगा जल्दी से जल्दी से बनाइए आंसर आ जाएगा प्लेस वैल्यू याद कीजिए सूरज आपको कोशिश करना है अपने माइंड से रिकॉल करके लिखना है कल बताया था कैसे अपने माइंड से रिकॉल करके हम प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं फिर भी मैं आपको बता दूंगा प्लेस वैल्यू निकालना कैसे प्लेस वैल्यू आप निकाल सकते हैं ठीक है ना जी जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा शिवम त्रिपाठी कह रहे हैं पिछले क्वेश्चन का आंसर सबका रोंग हो गया था कोई बात नहीं इस क्वेश्चन का आंसर जो है सभी का राइट होना चाहिए बनाने की कोशिश करेंगे देखते हैं कितने लोग बना पाएंगे कितने लोग इसका आंसर सही बता पा रहे हैं देखो मैंने आपको हिंट दे दिए मैंने आपको क्लू दे दिए लेकिन अगर आप अभी भी नहीं ढूंढ पाओगे तो फिर दिक्कत है भाई मैंने आपको हिंट दे दिया था पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको क्या बताया अगर डायरेक्ट लेटर से आप रिलेशन बनाने की ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं नहीं बन रहा एक बार अपोजिट लेटर लिख लिया करो पर आप थोड़ी लिखोगे चलिए एच का एस होता है एल का ओ होता है ओ का एल होता है ठीक है ना एस का एच होता है अपोजिट लेटर पी के उल्टे आपको मैंने लास्ट सेशन में बताया था अपोजिट लेटर भाई कैसे दिमाग में रख सकते हैं ठीक है ना कुछ वर्ड आपको मैंने बताए थे अगर लास्ट सेशन नहीं देखा तो जरूर देख लेना ठीक है ना टी ट्वेंटी होता है ठीक है जी टी रोड होता है ए जेड हो जाता है एल ट्वेल्व ओ अच्छा मैंने आपको एक हिंट और दे दिया कि अपोजिट लेटर से रिलेशन बनेगा अब बना करके बता दो जरा ठीक है ना अब बना करके बता दो अब तो बना सकते हो अब तो आपको बता दिया अब बताओ जल्दी से कितना क्या आंसर आएगा देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाएंगे अगर मैंने अब आपको सजेशन दे दिया मैंने आइडिया दे दिया कि अपोजिट लेटर से बनेगा ठीक है अपोजिट लेटर लिख करके भी अगर आप ढूंढ लोगे तो ये भी आपकी एक अचीवमेंट है देखो थोड़ा सा ना ये आपकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए लॉजिक को क्रैक करना ये नहीं कि मैंने बता दिया भाई तीन तरीके से ही ढूंढना है चौथा तरीका नहीं लगाना है आप अलग अलग तरीके से ट्राई करोगे आपको प्रैक्टिस करना है अलग अलग जितने ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन देखोगे जितने ज्यादा से ज्यादा लॉजिक आप अपने दिमाग में रखोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन का लॉजिक आपका क्रैक हो पाएगा ठीक है ना जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश किया करें ठीक है लेकिन उसके लिए ज्यादा से ज्यादा लॉजिक आपको अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे डायरेक्ट लेटर से बना रहा था नहीं बन रहा था तो मैंने इसका अपोजिट लेटर लिख लिया अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू लिख ली और उसके बाद मैंने देखा यहां पे टोटल लेटर आपके पास जो है वो है आठ जिसमें अगर मैं पहले तीन लेटर को ऐसे क्रॉसिंग में और अगले तीन लेटर को ऐसे क्रॉसिंग में और जो बीच वाले लेटर है उनको ऐसे क्रॉसिंग में देखता हूं तो क्या देखता हूं नौ से सत्रह हो गया माइनस टू हो गया बारह से दस हो गया माइनस टू हो गया आठ से छह हो गया माइनस टू हो गया डायरेक्ट लेटर में नहीं डायरेक्ट लेटर में नहीं उसके जो अपोजिट लेटर लिखे हैं उनकी प्लेस वैल्यू मैंने आपको दो क्वेश्चन करवा दिए ठीक है ना जिसमें आपको डायरेक्ट लेटर से लॉजिक नहीं मिल रहा है उनके अपोजिट लेटर लिख करके लॉजिक मिल रहा है ठीक है तो पिछले वाले में अपना क्या था ये नाइन हो गया नाइन हो गया तो प्लस टू हो गया छब्बीस और दो ये हो गया ठीक है ना पंद्रह और दो सत्रह हो गया ये अपने तीन लेटर में माइनस टू है तो उसमें लास्ट टू लेटर थ्री लेटर में अपना प्लस टू है बीच वालों में अपना क्या है माइनस वन और माइनस वन है इंप्लीमेंट द सेम रिलेशन एज यू आइडेंटिफाई तो आप पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिखोगे पी के पहले इसके अपोजिट लेटर लिखोगे ठीक है ना पी के ए का अपोजिट होता है जेड टी का अपोजिट होता है जी आई का अपोजिट आर ई e का अपोजिट वी एन का अपोजिट एम टी का अपोजिट जी एस का अपोजिट एच फिर उसकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिए ठीक है ना के ग्यारह होता है छब्बीस होता है सात होता है अठारह होता है बाईस होता है तेरह होता है सात होता है और आठ होता है तीन तीन लेटर का जो पेयर करके आपको करना है माइनस टू और प्लस टू और बीच वाले लेटर में माइनस वन माइनस वन तो इसमें माइनस टू करेंगे तो ये ग्यारह में से दो गए आपका नो हो जाएगा आई हो जाएगा और इसमें से अगर मैं माइनस टू करूंगा तो ये पांच ई e हो जाएगा छब्बीस में से दो घटाया तो चौबीस चौबीस का एक्स हो जाएगा ई तो एक्स आई इसमें प्लस टू प्लस टू करना है आपको तेरह और दो पंद्रह पंद्रह पे ओ होता है आठ और दो दस दस पे जे होता है सात और दोनों नो पे आई होता है और बीच वाले लो दो लेटर में आपको क्या करना है माइनस वन माइनस वन बाईस से एक घटा दिया इक्कीस इक्कीस यू होता है अठारह से एक घटा दिया सत्रह सत्रह क्यू होता है अपना आंसर बना ई एक्स आई यू क्यू जी आई ओ ठीक है ना तो जो हमारे ऑप्शन नंबर बी में आपके पास दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी चलिए बढ़े जाते हैं अगले क्वेश्चन पे देखते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर आप बना पाओगे इसका लॉजिक क्लियर हो गया होगा वरना दोबारा देख लीजिएगा नंबर कोडिंग के कुछ क्वेश्चन लिए हैं बच्चे तो नंबर कोडिंग में पहला क्वेश्चन आपके सामने है देखो जब लेटर टू नंबर कन्वर्जन होता है अब लेटर को नंबर में कन्वर्ट कर दिया गया है तो उसे हम क्या कहेंगे नंबर कोडिंग कहेंगे जल्दी से बनाने की कोशिश करेंगे कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं रह गए हैं नंबर कोडिंग के कुछ कमी क्वेश्चन लिए मैंने जल्दी से बनाने की कोशिश करें बन जाएगा ट्राई करेंगे बन जाएगा कोशिश करें आंसर बताएं जल्दी से बनाएं देखिए क्या आएगा जल्दी से बताएंगे बच्चे क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का समय आपका इस क्वेश्चन के लिए आप हो गया है क्या कहता है राहुल इज कोडेड एज 60 राहुल को किसमें कोड किया है 60 में मोहन मोहन का 51. हमें किसका बताना है? अनुराग का बताना है तो इनके अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू जोड़ करके देख लो या फिर इन तीन लेटर को अलग और उन, तो उन दो लेटर को अलग फिर उनको आप मल्टीप्लीकेशन ऐसा भी कुछ कर सकते हो ठीक है ना कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा अठारह और एक आठ इक्कीस इक, 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 और बारह अगर मैं इनको जोड़ दूं अठारह और बारह तीस और फिर इक्कीस इक्यावन इक्यावन और आठ आपका उनसठ और एक साठ बिल्कुल साठ बन रहा है कंफर्म करने के लिए ये एक और पेयर दिया गया है आपको उसके ऊपर भी सेम लगना चाहिए तो तेरह और पंद्रह कितना सत्ताइस और चौदह आपका कितना हो जाता है एक मिनट रुकिएगा तेरह पंद्रह अट्ठाइस अट्ठा छत्तीस और एक सैंतीस सैंतीस और चौदह कितना हो जाता है इक्यावन हो जाता है तो अनुराग की प्लेस वैल्यू एक चौदह इक्कीस अठारह और फिर एक और सात अगर मैं इन सबको जोड़ लू अगर मैं इन सबको जोड़ लेता हूं तो देखिए कितना आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा एक और चौदह पंद्रह पंद्रह और इक्कीस छत्तीस और अठारह छत्तीस और अठारह चौवन और एक पचपन पचपन और, 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 और सात बासठ इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा बच्चे बासठ आ जाएगा लॉजिक क्लियर हो गया होगा सिंपल ही लॉजिक था चलिए बढ़िया अगले क्वेश्चन पे जल्दी से बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाएंगे बिल्कुल पिछले क्वेश्चन का आंसर सिक्सटी टू गरिमा रश्मि आशीष मांडवी स्नेहा नीशा शिवम बबीता कुलदीप जितेंद्र और दीपा ने आंसर कर दिया था बिल्कुल लॉजिक के साथ बता दिया था जल्दी से बताएंगे इस का आंसर क्या आएगा जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर आंसर क्या क्या आएगा क्या आएगा जल्दी से बताएंगे यहां पे आप यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट लगा लीजिए लेकिन नन ऑफ दीज भी दे रखा है भाई शिवम ठीक है ना शिवम त्रिपाठी जी यह लगा तो लेंगे मैथ थोड़ी चल रहा है यार ठीक है यूनिट डिजिट और आपका यूनिट डिजिट टू डिजिट यहां पे आप वो लगा रहे हैं लॉजिक चलो लगाओ बड़ी अच्छी बात है कम से कम कहीं तो लॉजिक लगाते हो आप मैथ में तो ना लग रहा है लगा रहे होंगे आप लेकिन रीजनिंग में वो लॉजिक जरूर लगाएंगे मैथ वाले तो ब्रेव को अगर ट्वेंटी लिखा है कॉमन को अगर थर्टी लिखा है ब्रेव को अगर ट्वेंटी लिखा है कॉमन को अगर आपका क्या है कॉमन हा हाँ। कॉमन को बच्चे आपका कितना लिखा है थर्टी लिखा है तो किशोर का आपको बताना है किशोर को क्या लिखा जाएगा किशोर का आपको बताना है कि क्या लिखा जाएगा कितना सिंपल सा क्वेश्चन है दिमाग अगर लगाएंगे अब सबको जोड़ के देखोगे के देख तो, तो, जो के देखो के तो भी बीस नहीं आएगा क्योंकि का अपोजिट वाई वाई वी वी का वी की प्लेस वैल्यू बाईस तो यहां पे जोड़ के तो नहीं बन रहा है ठीक है ना तो यहां पे आपका जो लॉजिक है वो ये है यहां पे है आपके कितने लेटर पांच लेटर यहां पे कितने लेटर बच्चे पांच लेटर पांच के पहले क्या होता है पांच के पहले क्या होता है चार तो मल्टीप्लाई किया बन गया बीस यहां पे कितने लेटर एक दो तीन चार पांच छह लेटर छह से पहले क्या होता है पांच पांच से मल्टीप्लाई किया क्या बन जाएगा तीस तो यहां पे कितने लेटर किशोर में एक दो तीन चार पांच छः सात सात से पहले क्या होता है छः सात को छ से मल्टीप्लाई किया क्या बन जाएगा बयालीस बन जाएगा जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर चलो एक काम करना इस प्रश्न का आंसर मुझे आप बताने वाले हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को बताने वाले हैं कमेंट में ठीक है ना जल्दी से बता दीजिए अभी बता दीजिए क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा जल्दी बताएंगे चलिए बच्चे इसका आंसर आप मुझे जल्दी से बताइएगा कमेंट में आज के सेशन में इतना ही जल्दी मिलेंगे हम आपसे इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा अभी बता दिया है तो बहुत अच्छी बात है सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा और अभी आपका मोक होने वाला है ठीक है ना आपके साथ फिर से हम जुड़ने वाले हैं मोक होने वाला है आपका रीजनिंग इंग्लिश मैथ तीनों का ही मोक होने वाला है ठीक है ना आपका आपके लिए सभी के लिए है तो जुड़ना मत बोलिए अभी अपने दोस्तों के साथ उस सेशन को भी शेयर कर दीजिए और इस सेशन को भी शेयर कर दीजिए और जो आगे आने वाले सेशन है जिनके बारे में मैंने आपको बताया कल सुबह दस बजे से फिर से आपके साथ जुड़ने वाले हैं तो आज के लिए इतना ही मेरा नाम है दीपांशु शर्मा मैं आपका रीजनिंग फैकल्टी जल्दी मिलता हूं मैं आपसे थैंक यू सो so मच जय हिंद जय एग्जामपुर कवी जय एग्जामपुर